ओम शांति। बाबा की अवक मुरली है, May 7, 2023। अवक बाप दादा है, रिवाइज डेट है November 26, 1994। बाप दादा मधुबन, प्रातः मुरली है शिव बाबा के महावाक्य। मुरली का टाइटल या तो सार है परमात्मा पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप, सहज योगी जीवन। जितना परमात्मा पालना का अनुभव होगा, जितना परिवर्तन शक्ति जीवन में महसूस करेंगे, प्रैक्टिकल में लाएंगे, तो योगी जीवन सहज बन जाएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज बाप दादा हरेक बच्चों के मस्तक पर विशेष श्रेष्ठ भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। हर बच्चे की सर्व आज बाप दादा सॉरी सर्व बच्चों का भाग्य तो सदा सर्वश्रेष्ठ है ही, ब्राह्मण मतलब सर्वश्रेष्ठ, लेकिन आज विशेष 3 लकीर चमक रही है भाग्य की। एक है परमात्म पालना के भाग्य की लकीर, जो हेडिंग में है परमात्म बालना, और दूसरी है बेहद के ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई के भाग्य की लकीर, पहले पालना दूसरी पढ़ाई, तीसरी है श्रेष्ठ मत प्राप्त होने के भाग्य की लकीर। 3 भाग्य की लकीर, परमात्मा पालना, ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई, और ऊंचे ते ऊंची मत श्रीमत। चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, हरेक को इस जीवन में ये 3 प्राप्तियां होती ही है। लौकिक में भी पालना भी मिलती है, पढ़ाई भी मिलती है, और मत भी मिलती है ना। लौकिक में भी माता पिता पालना करते हैं, टीचर पढ़ाई पढ़ाते हैं, और गुरु मत देते हैं। इन तीनों द्वारा ही हम आत्मा अपना वर्तमान और भविष्य बनाने के निमित्त बनती है। आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं को किसकी पालना मिल रही है? अब बाबा डिटेल में जाते हैं। बाबा ने बेज बना दिया पालना पढ़ाई और श्रीमत का, एग्जाम्पल भी दे दिया लौकिक और अलौकिक दोनों का। और हमें क्या मिल रहा है? परमात्मा पालना के अंदर वहाँ क्या है? परमात्मा पालना नहीं है, वहाँ देवात्मा या तो मनुष्य आत्माओं की पालना है। 2 युग देवात्मा है, सत्य त्रेता, और द्वापर कलयुग मनुष्य आत्मा है। परमात्मा पालना के अंदर सिर्फ अभी ही है, हर सेकंड पल रहे हो। जैसे परम आत्मा ऊंचे थे ऊंचे है, तो परमात्मा पालना भी कितनी श्रेष्ठ है। और इस परमात्मा पालना के पात्र कौन बने और कितने बने? आगे और सारे विश्व की आत्मा ये बाप कहती है, दुनिया में सब मानते फादर के रूप में परमात्मा को, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती है। और आप कितनी छोटी सी आत्माएं इस भाग्य के पात्र बनते हो, कितनी थोड़ी सी आत्माएं है ना। मैक्सिमम कितनी है? 33 करोड़, और बिगिनिंग कितना है? 9 लाख। तो कितना कहने का मतलब, उसमें भी माला गिनो तो 8, 108, 16,108, कितनी थोड़ी सी आत्माएं। दुनिया में भी है सब कुछ, मगर अल्पकाल के लिए। तो बाबा कहते हैं सारे कल्प में यही थोड़ा सा समय परमात्म पालना मिलते, थोड़ी सी आत्माओं को, और थोड़ा सा समय ही। 100 साल बाबा आते, मगर हम तो सब 50 साल के पीछे आए, और अभी अभी आए हैं। देवी पालना, मानव पालना, ये तो अनेक जन्म मिलती है पूरे कल्प में, लेकिन ये श्रेष्ठ पालना, परमात्मा की पालना, अब नहीं तो कब नहीं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य की श्रेष्ठ लकीर सदा अपने मस्तक में चमकते हुए अनुभव करते हो? चेक एंड चेंज। दूसरा प्रश्न, कोई भी प्राप्ति सदा करना चाहते हो या कभी कभी करना चाहते हो? तीसरा क्वेश्चन, तो प्राप्ति का पुरुषार्थ भी सदा चाहिए या कभी कभी चाहिए? चौथा क्वेश्चन, और सदा तीव्र चाहिए या कभी साधारण? कभी तीव्र, सदा तीव्र व कभी साधारण, कभी तीव्र। और पांचवा, प्रैक्टिकल क्या है? द
धारणा कहाँ तक है, जीवन में कहाँ तक लाए हैं। चाहना और प्रैक्टिकल में अंतर हो जाता है ने? सोचते तो बहुत हो लेकिन स्मृति में कम रखते हो। स्मृति में नहीं तो कार्य में आएगा ही नहीं, स्मृति में होगा तो ही धीरे धीरे वचन और कर्म में आएगा, बाकी आ ही नहीं सकता है। सोचते हैं ये करना चाहिए वो करना चाहिए मगर स्मृति में रहता नहीं है। सोचना सोचना स्वरूप बनना है या स्मृति स्वरूप बनना है? स्मृति स्वरूप बनने वाले होने तो एक बात भी स्मृति में रखो कि अमृत वेले आपको उठाने वाला कौन है ना बाबा की। एक बात भी स्मृति में रखो, सारी बात की बात नहीं है। बाप का प्यार उठाता है ना, संकल्प करके सो जा उठ जाओगे बाबा उठा देगा। दिन का आरंभ कितना श्रेष्ठ है, क्यों? परमात्मा जगाता है और बाप स्वयं मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, जगाते हैं, बुलाते हैं, रू रिहान करते हैं, शक्तियाँ भरते हैं। तो हर दिन का आदि कितना श्रेष्ठ है। बाप की मोहब्बत से उठते हो कि कभी कभी मजबूरी से भी उठते हो, क्या है यथार्थ? तो मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं ने? अमृत वेले से बाप कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे आओ। इसलिए मधुबन में सदा ये गीत बजता है, पहला गीत मेरे लाडले बच्चों, मृदुला का पहला गीत बजता है। जो मधुबन जाकर आए उन सबको पता है। फिर पूरा का फिर म्यूजिक बजता है आधे घंटे के लिए, फिर एक गीत बजता है, फिर से म्यूजिक, फिर गीत खत्म, अमृत वेला। हमें भी धीरे धीरे ऐसा करना है। तो बाबा कहते हैं उठाने वाला कौन है? तो जिसका आदि इतना श्रेष्ठ है, परमात्मा जगाने वाला, परमात्मा पालन करने वाला, परमात्मा बुलाने वाला, तो जिसका आदि इतना श्रेष्ठ है तो मध्य और अंत क्या होगा, श्रेष्ठ होगा ने? बाप दादा देख रहे थे कि कितनी पालना का भाग्य वर्तमान समय बच्चों को प्राप्त है। वो भी कैसी पालना? परमात्मा पालना, जो पूरे कल्प में इसी समय है। इसलिए बाबा कहते हैं अब नहीं तो कब नहीं। जितना प्राप्त है उतना फायदा उठाते हो, अपने आप को चेक करना है। स्वप्न में भी संकल्प मात्र नहीं था कि इतने भाग्य के पात्र बनेंगे, कभी सोचा ही नहीं था ना भक्ति में कि परमात्मा आकर हमें पढ़ाएंगे और देवता बनाएंगे। सोचा क्या था? उनकी कृपा होगी तो मिलेगा, बाकी कुछ पता नहीं था, ना रास्ता पता था, ना टारगेट कोई एम ऑब्जेक्टिव था, कुछ नहीं था जीवन के अंदर। सोचने थे बाहर था लेकिन मिला कितना सहज, वो आकर मिल गया। हमने ढूंढा वो नहीं मिला, उसने हमें ढूंढ निकाला। कितने प्यार से, कितना ईजी रीति से बाप के प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप ही है सहज योगी जीवन। बाबा कहते ईजी योगी जीवन नहीं है तो बाबा कहते हैं पर बाप के प्यार की पालना नहीं है। वो दे रहा है, हम बराबर ले नहीं रहे। प्रैक्टिकल में जिससे प्यार होता है उसके लिए मुश्किल परिस्थिति या मुश्किल कोई भी बात देखी सुनी नहीं जाती। बाबा कहते मैं बच्चों की कमी कमजोरी देख नहीं सकता हूँ, क्योंकि किसके बच्चे? मेरे बच्चे हैं। तो बाप ने भी मुश्किल को सहज बनाया ने, सदा सहज है। तो सदा ही पुरुषार्थ की गति तीव्र हो। आज बहुत अच्छा पुरुषार्थ है और कल थोड़ी परसेंटेज कम हो गई तो क्या सदा सहज कहेंगे? सदा बाबा क्या है? सदा शिव, सदा कल्याण करने वाला। वो किसी का अकल्याण कर ही नहीं सकता, उसमें नेगेटिविटी या तो वेस्ट है ही नहीं, तो अकल्याण की बात कहाँ से आई? और हम उनके बच्चे हैं। तो बाबा कहते जो बाप वैसे बच्चे, तो हमारे में भी बाबा कहते हैं नेगेटिविटी या तो ढीलापन नहीं आना चाहिए, तीव्र गति सदा हो। आज बहुत अच्छा पुरुषार्थ है, कल थोड़ी परसेंटेज हो गई तो क्या सदा सहज कहेंगे? सदा मुश्किल कौन बनाता? स्वयं ही बनाते हो ने? कहते कौन बनाने वाला? स्वयं ढीले पड़ जाते, कमजोर हो जाते। कारण क्या?
सोचने की तो आदत है, लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कार कभी इमर्ज रखते हो, कभी मर्ज हो जाते। सोचते बहुत है पापा, कहते ये करेंगे वो करेंगे प्लान बनाएंगे, मगर स्मृति में नहीं रहता है, बार बार भूल जाते। इसलिए बाबा बार बार हर रोज याद दिलाते, आत्मा हो आत्मा हो आत्मा हो, क्योंकि वही चलने वाला है साथ में अंत तक। स्वर्ग में जाएंगे तो परमात्मा के बारे में भूल जाएंगे, चक्र के बारे में भूल जाएंगे, बाकी सब ज्ञान चला जाएगा, मगर एक स्वरूप जरूर बन जाएंगे, वो है आत्मा अभिमानी। इसलिए बाबा हर रोज़ कान पकड़ कर हमें हर रोज़ सुनाता है, कोई भी मुरली उठा लो। बाबा कहते हैं कि हर रोज़ क्यों सुनाता है, जिससे क्या हो जाए, सोचता स्वरूप से समर्थी स्वरूप हो जाए, सोचना नहीं मगर स्मृति स्वरूप, स्मृति सो समर्थी का लेक्चर है ना, सुनना बराबर। इसी के अनुरूप ही लेक्चर है कल जो तुषार दीदी का लेक्चर है नड़ियाद की ओर से, नड़ियाद सब जो उनके टीचर है वो तो सुनेंगे, बहुत ही अच्छा क्लास होगा। कल 8:30 बजे से चालू होगा, तो लगभग 9:15 बजे तक क्लास रहेगा, 15 मिनट 10-15 मिनट क्वेश्चन आंसर रहेगा। इसके ऊपर ही आज मनन चिंतन करना, प्रश्न भी तैयार रखना, कोई क्वेश्चन है तो बाबा कहते हैं क्या स्मृति स्वरूप के संस्कार कभी इमर्ज रखते हो, कभी मर्ज हो जाते, क्योंकि स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप, यदि स्मृति नहीं तो समर्थि आ नहीं सकती है। सोचना यह समर्थि स्वरूप नहीं है, स्मृति समर्थि है। विस्मृति में क्यों आते, विस्मृति में क्यों आते हो, क्यों विस्मृत, आदत से मजबूर हो जाते हो। अगर मजबूत नहीं तो मजबूर हो जाएंगे, इसलिए हम कहते हैं मजबूत बनो स्मृति में। और जहां मजबूत है वहां मजबूरी नहीं है। जब ओरिजिनल आदत विस्मृति की नहीं है, आत्मा की ओरिजिनल आदत स्मृति की है विस्मृति की नहीं है, आदि में स्मृति स्वरूप प्रारब्ध प्राप्त करने वाली देवात्माएं हो। योग लगाने का पुरुषार्थ नहीं करते, लेकिन स्मृति स्वरूप की प्रारब्ध प्राप्त करते हो, क्योंकि देवताओं में स्मृति नहीं होती, मैं आत्मा हूँ तो कुछ नहीं कर सकते, इतनी ताकत हो ही नहीं सकती। तो आदि में भी स्मृति स्वरूप का प्रत्यक्ष जीवन है, और अनादि आत्मा जब आप परम धाम से आई तो आप विशेष आत्माओं के संस्कार स्वतः ही स्मृति स्वरूप है। आत्मा का जो ओरिजिनल सात संस्कार है उसकी आत्मा को सदा स्मृति रहते जब आत्मिक स्वरूप में, और जब देवात्मा के रूप में आती है विशेष आत्मा के रूप में तो वो संस्कार तो है ही, और अंत में संगम पर भी स्मृति स्वरूप बनते हो ना, क्योंकि ये भविष्य की तैयारी है। तो अनादि आदि और अंत तीनों ही काल स्मृति स्वरूप है। विस्मृति तो बीच में आई द्वापर से लेकर जब तक संगम आए तब तक। तो आदि अनादि स्वरूप सहज होना चाहिए या मध्य का स्वरूप क्या होना चाहिए? नेचुरल है, आदि अनादि ही होना चाहिए ने? तो बाबा कहते जो नेचुरल है वो भूल जाता है, और जो नेचुरल नहीं है उसमें सोचते रहते हैं। सोचते हो कि हाँ मैं आत्मा हूँ, लेकिन स्मृति स्वरूप हो चलना बोलना देखना उसमें अंतर पड़ जाता है। सोचते हैं मगर स्मृति में नहीं रहता, जब चलते हैं बोलते हैं देखते हैं तो यह स्मृति में रखो कि हम परमात्म पालना की अधिकारी आत्माएँ हैं। बाप दादा चार्ट चेक करते हैं तो लकीर कभी ऊंची कभी नीची होती है, इसका चार्ट चेक करते हैं स्मृति स्वरूप का। कभी कोई दाग होता है, कभी जीवन के कागज में कोई दाग नहीं भी होता है, और कोई समय दाग ही दाग, एक पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा दाग ही नजर आते हैं स्मृति के दाग। क्यों? एक तो गलती हो जाती है, लेकिन गलती होने के बाद उस गलती को सोचते रहते हैं ना। देखो क्या होता है हमारे जीवन में, क्यों क्या कैसे ऐसे नहीं वैसे कब किसने आदि ऐड करते जाओ,
बाबा कहते कम वाना बनो कहाँ कहाँ करके, ये सब क्यों क्या कैसे कब किसने क्या है, क्या क्या करते रहते कम में बन जाते। कहीं रूप से बात को छोड़ते नहीं हो, बात आपको छोड़कर चली जाती है क्योंकि टाइम किसी के लिए वेट नहीं करता है, लेकिन आप बात को नहीं छोड़ते हो। मगर हमारी गलती इतनी डीप उतार देते अंदर, वो हम छोड़ते नहीं है। जितना समय सोचने स्वरूप बनते हो, यथार्थ स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो, तो दाग के ऊपर दाग लगते जाते। एक गलती की उसके ऊपर सोचने लगे, स्मृति नहीं रही, स्मृति भूल गई, विस्मृति हो गई और सोचता स्वरूप हो गया, तो दाग के ऊपर और दाग, और बार बार उसको रिपीट करते रहते हैं मन के अंदर, तो और दाग लगते ही रहते हैं। तो बाबा कहते हैं तो समर्थी नहीं आएगी, लीकेज होगी, पावर की लीकेज हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि एक गलती हो गई उसके ऊपर दूसरी। जितना समय सोचने स्वरूप बनते हो, यथार्थ स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो, तो दाग के ऊपर दाग लगते जाते। पेपर का टाइम कम होता है, लेकिन व्यर्थ सोचने का संस्कार होने के कारण पेपर का टाइम बढ़ा देते हो, क्योंकि क्या क्यों कैसे में जाएंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो टाइम बढ़ जाएगा, हम पूरे समय में पेपर पूरा कर नहीं सकेंगे। सेकंड पूरा हुआ और निर्विकल्प स्थिति बन जाए, यह संस्कार इमर्ज करो। वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। निर्विकल्प बनना आता है ना, अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में लाकर सदा हर्षित रहो, अपने परमात्मा पालना को सदा बार बार स्मृति में लाओ। सुनना भी आता है, सोचना भी आता है, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है। बाप दादा बच्चों का खेल देखते रहते हैं, सारे दिन में क्या क्या खेल करते हो, ये रात्रि को चेक करते हो ने, चार्ट लिखते हो ने, बाबा कहते हैं नहीं लिखते हो तो लिखना चालू करो। माया के खिलौने बड़े आकर्षण वाले, तो उन खिलौनों से खेलने लग जाते हो। पहले तो बहुत प्यार से माया खेल कराती है, और खेल कराते कराते जब हार खिलाती है तब होश में आते हैं, पहले पता नहीं पड़ता है। मेजोरिटी में एक विशेष शक्ति की कमी रह जाती, क्यों होता है बाबा आगे बढ़ते हैं। कभी बहुत अच्छे चलते हो, कभी चलते हो खाली चलते हो, कभी बहुत अच्छे चलते हो, कभी उड़ते हो, कभी आगे बढ़ते हो, लेकिन फिर नीचे क्यों आ जाते हो, इसका विशेष कारण क्या? परिवर्तन शक्ति की कमजोरी है। मुरली का टाइटल का दूसरा शब्द परमात्मा पालना, परिवर्तन शक्ति। समझते भी हो कि ये यथार्थ नहीं है, लेकिन परिवर्तन होने की कमी हो जाती है। ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन में आ गए। अब कोई कहेंगे कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, कोई कहेंगे, सभी अपने को बीके लिखते होने, हम ब्राह्मण हैं यह तो समझते होने। ब्राह्मण जीवन में जो परीक्षाएं आती है उसमें परिवर्तन करने की शक्ति आवश्यक होती है। जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो समझते भी हो कि ये व्यर्थ है, पता चलता है, लेकिन व्यर्थ संकल्पों का बहाव इतनी बाढ़ होती है, इतना तेज होता है, जो अपने तरफ खींचता जाता है। अब एग्जांपल देते हैं, जैसे नदी का व सागर का बहुत फोर्स होता है, तो कितना भी अपने को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी बढ़ते जाते हैं, है ना। बाढ़ आती है, कोई अंदर गिर गया, इतना भी रोकने की कोशिश करेगा खींच कर ले जाएगा पानी। तो बाबा उसका एग्जाम्पल, बहते ही जाते, समझते भी हो सोचते भी हो कि ये ठीक नहीं है, इससे नुकसान है, फिर भी बहाव में बह जाते हो, इसका कारण क्या? बाबा हर चीज़ की विधि बताता है जिससे हमें सिद्धि मिल जाए, इसका कारण है परिवर्तन शक्ति की कमी। अब कौन कौन से परिवर्तन? पहला विशेष परिवर्तन है स्वरूप का परिवर्तन। हमारा स्वरूप क्या? मैं शरीर नहीं लेकिन आत्मा हूँ, यह स्वरूप का परिवर्तन है, है ना। आत्मा का रूप पहले लेसन में ही बताते हैं ना।
यह आदि परिवर्तन है। इसमें भी चेक करो कि जब देहबान का फोर्स होता है तो आत्म अभिमान के स्वरूप में टिक सकते हो या बह जाते हो। दुनिया में कहीं भी जाते हो, देखते हो दुनिया को, तो क्या होता है अपने मन के अंदर चेक करो। अगर सेकंड में परिवर्तन शक्ति काम में आ जाए तो समय संकल्प कितने बच जाते हैं, वेस्ट से बेस्ट में जमा हो जाते हैं। पहली परिवर्तन शक्ति है स्वरूप का परिवर्तन, बाबा एक स्टेप आगे, और स्वभाव का परिवर्तन। पुराना स्वभाव पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है। समझते भी हो क्या कि यह मेरा स्वभाव यथार्थ नहीं है, और यह स्वभाव समय प्रति समय धोखा भी देता है, यह भी समझते हो, लेकिन फिर भी स्वभाव के वश हो जाते हो। फिर अपने बचाव के लिए कहते हो कि मेरा भाव नहीं था, मेरा स्वभाव ऐसा है। मैं चाहता या चाहती नहीं हूँ, लेकिन मेरा स्वभाव है। देखो क्या क्या हम रीजन रखते हैं बाबा के सामने। ब्राह्मण बन गए तो जन्म बदल गया, दूसरा संबंध बदल गया, नया जन्म नया संबंध, माँ बाप बदल गए, परिवार बदल गया, लेकिन स्वभाव नहीं बदला। फिर रॉयल शब्द कहते कि मेरी नेचर है, सब कुछ बदल गया तो अभी रॉयल रूप में क्या कहते हैं, मेरी नेचर ऐसी है। तो पहली कमजोरी स्वरूप का परिवर्तन आत्मिक, दूसरा स्वभाव का परिवर्तन, और तीसरा संकल्प का परिवर्तन। तीनों तीन, पहला स्वरूप, फिर स्वभाव, तीसरा संकल्प। सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो। कहीं समझते बस आधा घंटे का तूफान था, आधा घंटा 15 मिनट चला, लेकिन आधा घंटा व 15 मिनट की कमजोरी संस्कार बना देती है ना। इतने समय तो व्यर्थ चला गया, और जितना समय इसको व्यर्थ को सोचा वो क्या हुआ, कमजोरी बन गई, हमारे संस्कार तो बन गए ने, क्योंकि आधा घंटा हम उसमें ही खेल रहे थे ना, तो क्या बन जाएगा, आदत और मजबूत हो जाएगी ना। इसलिए बाबा कहते हैं आधा घंटा 15 मिनट क्या रहा। बाबा एग्जांपल देता है, जैसे शरीर में अगर कोई बार बार कमजोर होता रहे तो सदा के लिए कमजोर बन जाते हैं ना। किसी को बार बार बीमारी हो जाती है तो क्या होगा, कमजोर होगा। तो 15 मिनट कोई कम नहीं है, संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है। तो ऐसे अलबेले नहीं बनो। इसलिए शास्त्र में भी हमने क्या कहा, क्या किया, देवता का एक दिन हमारा एक वर्ष गिन लिया, और 1200 वर्ष का जो कई शास्त्रों में कलयुग बताया उसको हमने 360 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 480,000 साल का कलयुग बता दिया। इसको कहते हैं संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान। तो ऐसे अलबेले नहीं बनो। पल थोड़ा ही चला, 15 मिनट 20 मिनट, लेकिन गवाया कितना। जब कदम में पदम कहते हो तो 15 मिनट में कितने कदम उठेंगे और कितने पदम गंवाए। जमा में तो हिसाब अच्छा रखते हो कि कदम में पदम जमा हो गया, लेकिन गंवाने का भी तो हिसाब रखो। तो न चाहते हुए भी संस्कार खींचते हैं, जो भी बात बार बार होती वो संस्कार के रूप में बढ़ जाती, आदत बन जाती है। तो संकल्प परिवर्तन करो, आदत ही क्या है, संस्कार है। सिर्फ सोचते नहीं रहो, करना नहीं चाहिए, हो गया, क्या करूं, नहीं, सोचो और करके दिखाओ। कहते हो ने कि बिंदी को बिंदी लगाओ, एक दो को ज्ञान देते हो ने, कोई आकर बात करेंगे तो कहेंगे ठीक है बिंदी लगा दो, लेकिन स्वयं बिंदी लगाते हो। बिंदी लगाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए, परिवर्तन शक्ति। परिवर्तन शक्ति वाला सदा ही निर्मल और निर्माण रहता है। आगे एक कदम आगे बाबा बढ़े, जैसे पहले भी बाप दादा ने सुनाया है कि मोल्ड होने वाला ही रियल गोल्ड है, और रियल गोल्ड की निशानी है वो मोल्ड हो जाएगा, मतलब परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो चेक करो कि परिवर्तन शक्ति समय पर काम आती है या समय बीत जाने के बाद सोचते ही रहते। तो परिवर्तन शक्ति को बढ़ाना है। जिसमें परिवर्तन शक्ति कम है,
सॉरी पर जिसमें परिवर्तन शक्ति है वो सबका प्यारा बनता है, विचारों में भी सहज रहेगा, आगे बढ़ते सेवा में रहते होने, सेवा में भी विघ्न रूप क्या आता है, मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छी होते हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया, क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन, तो उसको रियल गोल कहेंगे। मेरापन आ गया और मेरापन आना अर्थात अलॉय मिक्स होना, नेगेटिविटी वेस्ट आ जाना। जब रियल गोल्ड में अलॉय मिक्स हो जाता है तो वो रियल रहता है, उसका मूल्य रहता है, कितना फर्क पड़ जाता है। तो समय और वायुमंडल को परख कर अपने को परिवर्तन करना, बाबा ने दो शब्द ऐड कर दिए, समय और वायुमंडल, इसकी आवश्यकता है। मोटी मोटी बातों में परिवर्तन करना तो सहज है, लेकिन हर परिस्थिति में, हर संबंध संपर्क में समय और वायुमंडल को समझ, स्वयं को परिवर्तन करना, यही नंबर वन बनना है। नंबर वन बनने की डेफिनेशन, हर परिस्थिति में, हर संबंध संपर्क में समय और वायुमंडल को समझ, स्वयं को परिवर्तन करना। ये नहीं सोचो कि फलाना भी समझे ना, ये भी तो परिवर्तन करे ना, दूसरा सिर्फ मैं ही परिवर्तन करूँ क्या, तो बाबा जवाब देता है जो ओटे सो अर्जुन, जो पहले करे वही फल पाएगा। इसमें अगर आपने अपने को परिवर्तन किया तो ये परिवर्तन ही विजयी बनने की निशानी है, समझा डबल अंडर। अच्छा तो बाबा की मुरली पूरी होती है, पूरा सार है चार ही सेंटेंस में, चारों ओर के। पहला, सर्व सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को, सोचता स्वरूप में स्मृति स्वरूप। दूसरा, सदा सेकंड में परिवर्तन शक्ति द्वारा स्वपरिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, स्वपरिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन, ओटे सो अर्जुन। तीसरा, सदा सहज योगी अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को, सहज योगी का आधार क्या बाबा ने बताया, परमात्मा पालना और परिवर्तन की शक्ति। और चौथा, सदा बाप के समीप और समान बनने के उमंग उत्साह में रहने वाली सर्व आत्माओं, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। मुलाकात है टीचर्स के प्रति, सभी टीचर्स तो सदा ही ज्ञान स्वरूप स्मृति स्वरूप है ही, क्योंकि जैसे बाप शिक्षक बनकर आते हैं तो बाप समान निमित्त शिक्षक हो, बाप जैसे नहीं हो लेकिन निमित्त शिक्षक हो, सुना एक ही टीचर है सुप्रीम, तो टीचर की विशेषता निमित्त भाव और निर्माण भाव। निमित्त भाव होगा तो क्या होगा, अहंकार नहीं आएगा, निर्माण भाव होगा तो कंस्ट्रक्शन कर सकेंगे। सफल टीचर वही बनती है जिसका निर्मल स्वभाव हो। अभी निर्मल स्वभाव के ऊपर विशेष अंडरलाइन करो, कुछ भी हो जाए लेकिन अपना स्वभाव सदा निर्मल रहे, कभी भी मैला न हो, कभी भी मिलावट न हो अपने स्वभाव के अंदर, यह निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है, तो ही नया कंस्ट्रक्शन होगा, नई दुनिया एस्टैब्लिश होगी। तो अंडरलाइन करो, निर्मल स्वभाव बिल्कुल शीतल, शीतलता का गायन शीतला देवी है, तो निर्मल स्वभाव अर्थात शीतल स्वभाव। बात जोश दिलाने की हो, बात कैसे भी हो, लेकिन आप निर्मल हो तब कहेंगे सफल टीचर। तो बाप दादा फिर भी अंडरलाइन करा रहा है किस पर, निर्मल स्वभाव, समझा। अच्छा प्रश्नोत्तरी, दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है जिससे ही ज्ञान और योग की परख होती है। उत्तर है, सबसे बड़ा खजाना है खुशी। चाहे कितना भी ज्ञान हो योग हो लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं तो ज्ञान ठीक नहीं। कोई भी परिस्थिति आ जाए खुशी गायब नहीं हो सकती। बाबा ने कहाँ तक कहा है, जान चली जाए मगर खुशी न जाए। अविनाशी बाप का अविनाशी खजाना मिला है इसलिए खुशी कभी गायब नहीं हो सकती। योग लगाते लेकिन खुशी नहीं तो योग ठीक नहीं। आपकी खुशी देख दूसरे आपसे पूछे कि आपको क्या मिला है,
यही ज्ञान और योग की प्रत्यक्षता का साधन। इसको ही कहते हैं कर्मणा सेवा। कर्मणा सेवा दूसरा कुछ नहीं है कि हमें देखकर और पूछे आपको क्या मिला है। दूसरा प्रश्न है किस लगन के आधार पर विघ्नों की समाप्ति स्वतः हो जाती। हम सबको क्या करना है? विघ्न विनाशक बनना। तो उसका आधार क्या है? उत्तर है एक बाप दूसरा न कोई, इसी लगन में मगन रहो तो विघ्न टिक नहीं सकता। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, विघ्न है तो लगन नहीं है। समझ लो बाबा कहते कोई भी ऑब्स्टेकल आता है कोई भी रूप में, चाहे कोई चैलेंज के रूप में आता है चाहे कोई लोगों के रूप में आता है, चाहे कोई ऑब्स्टेकल के रूप में आता है, चाहे कोई प्रॉब्लम के रूप में आता है, चाहे कोई परिस्थिति के रूप में आता है, पर विघ्न है तो लगन नहीं है। विघ्न भल आए लेकिन उसका प्रभाव ना पड़े। बाबा कहते हैं ऑब्स्टेकल सब कुछ आएंगे हमारे कार्मिक हिसाब किताब के अनुसार, मगर हमारे ऊपर उसका प्रभाव ना पड़े। इसको ही कहते हैं युधिष्ठिर। कुछ भी हो जाए, कितने भी युद्ध करनी पड़े, मगर हमारी स्टेबिलिटी हमारी कूलनेस चली न जाए। जब स्वयं प्रभावशाली आत्मा बन जाते तो किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ सकता, वरना लगाव झुकाव प्रभाव में आते रहेंगे। हमारे पर प्रभाव दूसरों का क्यों पड़ता है? क्योंकि हम अपने को इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में ले जाते हैं, दूसरे को महान समझते, इसलिए प्रभाव। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जितनी श्रेष्ठ आत्मा ये दुनिया में कोई नहीं है। जिसने परमात्मा को जाना है, परमात्मा को पहचाना है, उनकी पालना में पल रहे, जैसे सूर्य को एग्जाम्पल देते, कोई कितना भी छिपाए तो छिप नहीं सकता, कितना भी बादल आ जाए मगर वो छिप नहीं सकता है, थोड़ी ही देर में क्या होता है बाहर आ जाता है, सदा चमकता रहता है ना। ऐसे ही प्रभावशाली आत्माओं को कोई भी प्रभाव अपने तरफ खींच नहीं सकता। यदि हम प्रभाव में आ गए मतलब क्या हुआ? हमने इन्फीरियर समझ लिया। बाबा कहते ना सुपीरियर समझना है ना इन्फीरियर समझना है। सुपीरियर समझेंगे तो ईगो आ जाएगा, इन्फीरियर समझेंगे तो क्या होगा? अपना सम्मान लूज कर देंगे, उनके प्रभाव में आ जाएंगे, वो भी क्या है? नेगेटिविटी है। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे ही प्रभावशाली आत्माओं को कोई भी प्रभाव अपने तरफ खींच नहीं सकता। तो सदा एक बाप दूसरा न को इसी लगन में मगन रहने वाले, यही विशेष संगम युग का अनुभव है। आज का वरदान है, बाबा की मुड्डियाँ पूरी होती है, वरदान है स्नेह की लिफ्ट द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले। स्नेह में कोई भी कंडीशन एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, वो लिफ्ट है। किसका अनुभव करता है? उड़ती कला का अनुभव करने वाले अविनाशी स्नेही भव। दुनिया का स्नेह क्या है? विनाशी है, सेल्फिश है, कुछ ना कुछ अंदर छिपा हुआ है। बाबा का स्नेह क्या है? अविनाशी है, और सच्चा सच्चा स्नेह है परमात्मा का स्नेह। तो बाबा समझाते हैं मेहनत से मुक्त होने के लिए बाप के स्नेही बनो, पता नहीं दूसरे क्या करेंगे। यह अविनाशी स्नेही अविनाशी लिफ्ट बन उड़ती कला का अनुभव कराते। दुनिया में क्या है? स्वार्थ है, लेकिन यदि स्नेह में अलबेलापन है बाप के साथ का, तो बाप से करंट नहीं मिलती, और करंट नहीं मिलते तो लिफ्ट काम नहीं करती। जैसे एग्जांपल, लाइट बंद होने से, कनेक्शन खत्म होने से लिफ्ट द्वारा सुख की अनुभूति नहीं कर सकते, अनुभूति नहीं होगी। पांचवी मंजिल पर, छः दसवीं मंजिल पर जाना है और लाइट नहीं है, कनेक्शन खत्म हो गया तो कैसे जाएंगे? तो सुख नहीं दुख होगा ने। ऐसे स्नेह कम है तो मेहनत का अनुभव होता है, इसलिए अविनाशी स्नेह ही बनो। बाबा के पास कोई भी कंडीशन नहीं रखो, कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखो। बाबा को सब पता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए, एक बार बता दिया फिर रिमाइंड करने की आवश्यकता नहीं है। स्लोगन है शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा। दुनिया में यंत्र बनाते हैं, आपने देखा होगा, लोग पैसा लेकर बनाते हैं,
उसके ऊपर मंत्र जाप करते हैं, फिर यंत्र बनाते हैं और उसको देते हैं। तो यहाँ कौन सा यंत्र है? शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरते रहो, तो गतिव्र गति से उड़ते रहेंगे। अच्छा, आज की मुरली पूरी होती है। फिर से कल क्लास होगा सुबह मुरली के बाद 8:30 बजे, हम 8:20 को चालू करेंगे, तो आप अवश्य अटेंड करना जी। अच्छा, ओम शांति।